नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुकुशल होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एयरटेल पेमेंट बैंक का सीएसपी कैसे ले सकते हैं, क्विक पॉइंट आप कैसे ले सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी कैसे लेते हैं, उसमें हमने सारी जानकारी बता दिए थे। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अभी हम फिलहाल बात करेंगे कि एयरटेल पेमेंट बैंक का क्विक पॉइंट आप कैसे ले सकते हैं, या फिर आप एयरटेल का रिटेलर कैसे बन सकते हैं। एयरटेल सिम की जो है आप रिचार्ज सिम, इन सभी को के लिए आपको एक रिटेलर के लिए आपको एयरटेल इजी सिम मानिए सिंपल भाषा में आपको लेना होता है, वहीं से आप जो है क्विक पॉइंट भी उसी को रिन्यूअल करवा सकते हैं। तो इसका क्या है पूरा प्रोसेस, अभी हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है आपको, एपीएस बैंकिंग और सीएसपी पॉइंट ये दोनों सर्विस उसमें होता है, तो इसको लेने के लिए आपको क्या करना है, आपका अपना आधार कार्ड पैन कार्ड होना जरूरी है, और साथ ही साथ आपको इसमें दो फोटो और दो आधार कॉपी लगेंगी। जो कि आपको ये जमा कहाँ करना है दोस्तों, आपको पहले आप जिस भी एरिया में रहते हैं वहां वो एरिया किस एयरटेल डिस्ट्रीब्यूटर के कहने का मतलब ये किस एयरटेल डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर आता है वो पता कर लेना है, या फिर आपके दो दोस्त मित्र पहले से कार्य कर रहे हैं यानी कि जो एयरटेल इजी रखते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बंधु हैं जो एयरटेल के इजी तो कर रखते हैं, एयरटेल के इजी बेचते हैं, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि एयरटेल पेमेंट बैंक का क्विक पॉइंट कैसे लिया जाता है। तो उनसे आप जाकर उसके डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टेक्ट करें, या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर ले लें, या फिर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएं और वहां पे एयरटेल ऑफिस आपके एरिया में जहां भी एयरटेल ऑफिस है वहां पे जाएं और वहां के जो हेड है उनसे बात करें कि हमें एयरटेल रिटेलर बनना है और साथ ही साथ एयरटेल क्विक पॉइंट यानी कि सीएसपी पॉइंट लेना है। तो वो आपको क्या क्या सारे प्रोसीजर बता देंगे और आपसे दो आधार की कॉपी, पहले आपका दोस्तों इजी सिम एक्टिवेट होगा उसके बाद ही जाकर आपका जो है बैंकिंग पोर्टल ऑन होगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहले से एयरटेल का सिम यूज कर रहे हैं तो आपको दोबारा सिम लेने की जरूरत नहीं, वही सिम आपका जो है इजी सिम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, वही नंबर यानी कि सिम का नंबर जो होता है आपके, जैसे मान लीजिए एयरटेल सिम आपके फोन में लगा हुआ है तो आपका सिम का नंबर, मोबाइल नंबर नहीं, आपका सिम पे जो नंबर नोट होता है वो 15 या 16 अंक का होता है, वो नंबर वो आपको नोट कर लेंगे पेपर पे, और आपके आधार दो कॉपी लेंगे, आधार के दो फोटो स्टेट और दो फोटो आपका पासपोर्ट साइज फोटो, उस पर सिग्नेचर करा लेंगे, वो मोबाइल नंबर और सिम नंबर सारे लिख के वो रख लेंगे, और 5 से 7 वर्किंग डेज में आपका जो है एयरटेल सिम एक्टिवेट हो जाएगा इजी सिम में और आप एयरटेल मित्रा ऐप पे लॉग इन कर सकेंगे। उसके 10 या 5 दिन के बाद जब चाहे वो, जब तक आपका एक्टिवेट में लगा होता है वो आप फिर उसका जो है एक्टिवेट हो जाएगा आपके बैंकिंग पोर्टल पे, फिर आप बैंकिंग पोर्टल का इजीली उपयोग कर पाएंगे। अब इसमें हम बात करेंगे दोस्तों, इसमें आपको फैसिलिटी क्या सब दिया जाता है। उसमें दोस्तों आपको एपीएस एक अलग होता है, जैसे मान लीजिए आप एनी अदर बैंक किसी भी बैंक का आप इजी करें, किसी भी बैंक का पैसा निकालेंगे तो उसमें आपको एपीएस रहता है। अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक का खास करके निकालेंगे और उसका खाता आप खोले हैं तो उसके लिए इतना प्रोसेस नहीं है दोस्तों, आप सिंपली उसका मोबाइल नंबर डालेंगे और उसका फिंगर लगाएंगे वो पैसा विड्रॉल हो जाएगा। डिपॉजिट करना है तो उसका मोबाइल नंबर डालिए जो आपने खाता खोलते वक्त दिया था और उसमें जितना अमाउंट देना है पिन देके सबमिट कर दीजिए, वो पेमेंट हो जाएगा। और उसमें दोस्तों एपीएस भी होता है और ये दोस्तों इजिली बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको कहीं भी कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। जो भी चार्जेज लगेंगे 150 वो आप ही के वो डॉक्यूमेंट तैयार करने में लगेंगे, एनीवन कहीं भी आपको रुपया लगेगा नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एपीएस सर्विस मिल जाएगा, बैंकिंग पोर्टल मिल जाएगा। जो कहीं आप दूसरा ऐप लेंगे तो उसमें आपको जो है इतना रुपया, 1,500 रुपया, 500, 600, 1,000 रुपया, 1,500, जहां जो संस्था जैसी है जितनी विश्वसनीय है उस हिसाब से रुपया लगेगा। लेकिन अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ जुड़ेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इजी सिम के इजी का भी प्रोवाइड मिल जाएगा, आप इजी आप सिम भी बेच पाएंगे और साथ ही साथ आप रिप्लेसमेंट भी कर पाएंगे, एमएनपी भी कर पाएंगे और साथ ही साथ आप बैंकिंग की सुविधा भी आप अपने शॉप के जरिए प्रोवाइड कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें कंपेयर करें किसी अन्य से तो ये बहुत इजी है दोस्तों। क्यों इजी है कि आप अगर मान लीजिए कोई बैंक से जुड़ के अदर बैंक लेते हैं उसमें ढेर सारी प्रक्रिया है, लेकिन अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ जाते हैं तो इसमें कहीं कोई झंझट नहीं है दोस्तों, बिल्कुल साफ सुथरा रास्ता। आप एयरटेल ऑफिस जाइए और वहां पे आप अपने दो डॉक्यूमेंट लगाइए, पैन कार्ड आधार कार्ड फोटो बस, और आप अपना पॉइंट चालू कर लीजिए। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, अगर आपको लेना है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में विजिट कीजिए, आप एयरटेल ऑफिस जरूर से जरूर विजिट कीजिए
और वहां पे आपने सभी समस्याओं को बताएं, वहां पे आपको इजीली समाधान मिल जाएगा। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके पास एयरटेल इजी सिम है तो उसे आप जरूर से जरूर एयरटेल पेमेंट बैंक में कन्वर्ट करें। उसके लिए एक्टिवेट के लिए आवेदन, अगर आपके पास पहले से यह सारी सुविधा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। पहली बार तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।